और अब बात भोपाल से अहम खबर की। नर्सिंग कॉलेज की सीबीआई जांच, इस वक्त की अहम खबर भोपाल से सामने आ रही, जहां पर नर्सिंग कॉलेज की सीबीआई जांच। क्या सीबीआई जांच, वो भी हम आपको बताएंगे। जांच में 700 में से 500 ऐसे कॉलेज संचालन जो है वो योग्य नहीं है, यानी उनकी मान्यता रद्द होनी चाहिए। पहले हुई जांच में 169 कॉलेज सामने आए थे हाईकोर्ट के निर्देश के बाद, एक बार फिर से सीबीआई जांच हुई। इस वक्त की अहम खबर, जहां जांच में 73 कॉलेज ही योग्य माने गए हैं। नर्सिंग कॉलेज की सीबीआई जांच, और जांच में 700 में से 500 ऐसे कॉलेज हैं, ठीक सुना आपने, 700 में से 500 कॉलेज संचालन के योग्य नहीं है। और पहले हुई जांच में 169 कॉलेज को ही योग्य माना गया था। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद एक बार फिर से सीबीआई की जांच हुई थी, और जांच में 73 कॉलेज ही योग्य माने गए हैं। ग्वालियर बेंच से जबलपुर हाईकोर्ट ट्रांसफर मामले किए जाएंगे। तो अब गाज गिरना शुरू हो चुकी है। नर्सिंग कॉलेज तमाम ऐसे जो संचालन किए जा रहे हैं अलग अलग जिलों पर, अलग अलग स्तर पर प्रदेश में, उनकी जांच हुई है, और इसमें ये कहा गया है कि ऐसे कॉलेजेस जो संचालन के योग्य नहीं है। हालांकि अब देखना होगा इस पर क्या कुछ होता है। हालांकि जांच में सिर्फ 73 कॉलेज ही ऐसे हैं जो योग्य हैं, यानी कि वो पूरे जो मापदंड होते हैं कॉलेज से, शिक्षा जगत से जुड़े हुए, वो पूरे मापदंड 73 कॉलेज ही पालन कर रहे हैं, लेकिन बाकी ऐसे हैं 500 कॉलेज जो संचालन के योग्य नहीं है। तो पहले जांच हुई थी उसमें 169 कॉलेज को ही योग्य माना गया था। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद एक बार फिर से जांच शुरू हुई, सीबीआई की जांच तेज की गई, और इस जांच में ये निकल के सामने आया कि 73 कॉलेज ही योग्य है। तो नर्सिंग कॉलेज से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। लगातार इस पर जांच चल रही थी, इसके पहले भी कई तरह से जांच हुई है। कई ऐसे कॉलेज है, कई ऐसे इंस्टीट्यूट है जिनमें स्टूडेंट पढ़ते हैं, और कहीं ना कहीं स्टूडेंट कि भविष्य का भी सवाल इस पूरे मामले पर उठता है। अंजलि सिंह, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंजलि, क्या कुछ जानकारी, दोबारा जांच हुई और इसमें ऐसे कई कॉलेजेस हैं जो संचालन के योग्य नहीं मिले हैं, अब उन पर क्या कुछ होगा? देखिए, मध्य प्रदेश में जो नर्सिंग कॉलेजेस हैं उनकी दोबारा जो जांच हुई, तो सीबीआई की जो जांच में रिपोर्ट आई है बड़ी ही चौंकाने वाली है, क्योंकि मध्य प्रदेश में लगभग ऐसे 800 नर्सिंग कॉलेजेस हैं जिनका संचालन हो रहा, उसमें से जो 500 हैं उन्हें योग्य नहीं माना गया, यानी 200 ही नर्सिंग कॉलेज ऐसे हैं जो पैमानों से उतरे हैं, जिनकी जब जांच की गई तो जितने भी क्लॉज होते हैं उनमें जो है 500 जो ऐसे कॉलेजेस हैं उनको अमान्य माना गया। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। कहीं ना कहीं बोला जा सकते हैं कि जो नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं उनके भविष्य पर भी सवाल खड़ा हो रहा है। इससे पहले भी जब जांच हुई थी तो दोबारा जांच के आदेश दिए गए थे, जिसको सीबीआई ने दोबारा जांच करी, तो इसमें जो पाया गया कि जो 700 नर्सिंग कॉलेज है उनमें से 500 का जो संचालन है वो योग्य लायक नहीं है। सिर्फ 200 नर्सिंग कॉलेज जो है उनको संचालन योग्य माना गया है। इससे पहले जो सीबीआई जांच हुई थी उसमें से लगभग जो है 170 कॉलेज को पात्र माना गया था। इस जांच पर जो है कई सवाल भी खड़े हुए थे, जिसके बाद हाईकोर्ट ने निर्देश दिए थे उसका दोबारा जांच की गई। इसमें से 85 से ज्यादा ही कॉलेज है जिनको संचालन योग्य माना था, लेकिन उसके बाद भी बाकी के जो कॉलेज बचे हुए थे उसमें 73 कॉलेज की अगर बात की करें तो वो संचालन योग्य पाए गए थे। लेकिन उसके बाद अब दोबारा जो जांच हुई है उनमें से लगभग 200 ही कॉलेज ऐसे हैं। अब क्या होगा अंजलि, ये बताइए कि अब क्या जो संचालन के योग्य नहीं है उनकी क्या मान्यता रद्द हो जाएगी, क्योंकि वो तमाम स्टूडेंट जो यहाँ पर पढ़ रहे हैं नर्सिंग कॉलेज में, उनके भविष्य को लेकर अब सवाल उठेंगे? बिल्कुल, ऐसा माना जा सकता है कि उनकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी, लेकिन इससे पहले उनको एक बार शायद जो क्लॉज हैं, यानी जो सारे जो पैमानों पर खरा नहीं उतर रहे, इससे पहले भी जब जांच हुई थी तो कुछ कॉलेजेस जो हैं जिनमें वो अमान्य थे, जो कुछ क्लॉज होते हैं उनको पूरा नहीं किया गया था, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि हो सकता है कि उसकी वो पूर्ति कर दी जाए, उसके बाद जो है उनको मान्यता दे दी जाए। लेकिन अभी तक जो खबर सामने आ रही है, उनको एक बार पहले भी कहा गया था कि जो सारी चीजें हैं उनको पूरी फुलफिल की, बिल्कुल देखना होगा क्या कुछ होता है इस पूरे मामले में। नजर बनाए रखिए। अंजलि, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए, बातचीत के लिए।